أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to online classes of Al-Munir High School e-learning system Now we read our Urdu subject Class 5 आज आपका unit number 17 है मुगल की कार इसकी हम reading करेंगे और उसके बाद इसकी exercise complete करेंगे ठीक है ये एक नज़म है मज़े की नज़म है वो हम पढ़ते हैं अलग दुनिया की कारों से मुगल की कार है प्यारे सुना है पिछले 10 सालों से ये बीमार है प्यारे ज़माने के लिए इबरत का एक शाहकार है प्यारे मुग़ल के वास्ते एक मुस्तकिल आज़ार है प्यारे किसी भी कार से जनहार चाल इसकी नहीं मिलती ये वो शय है कि दुनिया में मिसाल इसकी नहीं मिलती इसमें क्या है कि एक कार की बात की गई है और उसके ड्राइवर मतलब जिसकी भी वो कार है उसको मुग़ल कहा गया है उन्होंने कहा है कि जो मुग़ल की कार है ये बाकी दुनिया की तमाम कारों से बिल्कुल अलग है अनोखी है और सुना है कि ये पिछले 10 सालों से बीमार है बीमार मीन्स कि इसमें कोई ना कोई मसले मसाइल चल ही रहे हैं गाड़ी जो है वो ख़राब है ज़माने के लिए इबरत का एक शाहकार है प्यारे इबरत क्या होता है कि जिसको मतलब कोई ऐसी चीज़ देखें कि उसके बाद आप तौबा कर लें कि हम ये काम नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या है कि ये एक मुस्तकिल अज़ार यानी कि एक मुस्तकिल तकलीफ़ मुस्तकिल रोग मर्ज़ जो है ना ये लग गया है मुग़ल को जब से उसके पास ये कार आई है और इस कार की जो है ना चाल किसी की तरह मतलब किसी दूसरी कार से नहीं मिलती और ये वो ऐसी शय है ये ऐसी अनोखी चीज़ है कि दुनिया में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कई फरलांग तक धक्का लगाते हैं तो चलती है पसीना 4-6 साथी बहाते हैं तो चलती है शहर से शाम तक हैंडल घुमाते हैं तो चलती है सर इसके सामने अपना झुकाते हैं तो चलती है तर्स खाकर मुग़ल पर जब भी ये आती है हरकत में यकीन करना ही पड़ता है बड़ी ताकत है कुदरत में यानी कई फरलांग क्या होता है जैसे एक मील होता है ना एक मील का 8वां हिस्सा मतलब एक बड़ी छलांग को कह सकते हैं आप कि कई फरलांग तक इतना आगे तक जो है ना इसके धक्का लगाना पड़ता है तो तब कहीं जाके ये चलना शुरू होती है और जब कोई 4-6 साथी इसको धक्का लगाने वाले जो हैं वो पसीने में शराबूर हो जाते हैं मतलब उनका बुरा हाल हो जाता है तब कहीं जाके चलती है फिर शहर कहाँ गया है सुबह के टाइम को कि सुबह से शाम तक अगर इसका हैंडल घुमाते रहे फिर कहीं जाके ये चलती है मतलब इस कार के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस कार को चलाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे सर इसके सामने अपना झुकाते हैं तो चलती है और फिर मतलब एक इसकी जस्ट लाइक सर झुकाने का मतलब कि उसकी मन्नतें करनी पड़ती हैं यानी उसको धक्के लगाने पड़ते हैं फिर उसको धक्के लगाने वाले लोग जो हैं उनका होशर हो जाता है फिर उसका बार बार हैंडल घुमाना पड़ता है फिर कहीं जाके उसकी मन्नतें करनी पड़ती हैं उसके सामने सर झुकाना पड़ता है तब वो चलती है फिर क्या है कि तर्स खाकर मुग़ल पर जब भी ये आती है हरकत में यकीन करना ही पड़ता है बड़ी ताकत है कुदरत में फिर कहा गया है कि मुग़ल पर जब यानी कि इसको तरस आता है यानी इतने तरद्दुद करने के बाद इतने मतलब टाइम गुजारने के बाद जब वो स्टार्ट हो जाती है हरकत में आ जाती है तो तब यकीन करना पड़ता है कि वाकई में कुदरत में बहुत ज़्यादा ताकत है ये एक ख़राब नकारा गाड़ी भी चल पड़ी है ठीक है अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 103 ये चलती है तो शोफर को भला कब होश रहता है शोफर कहते हैं बेटा ड्राइवर को शोफर ड्राइवर हर एक राहगीर ताहदे नज़र पोश रू पोश रहता है राहगीर होता है सड़क पर चलने वाला ताहदे नज़र यानी जहाँ तक नज़र जाए रू पोश मतलब छुपा हुआ ठीक है हर एक राहगीर ताहदे नज़र रू पोश रहता है जहाँ भी इसका जो पुर्जा है वो पुरजोश रहता है यानी पुरजोश यानी हरकत में मगर एक हॉर्न है कमबख्त जो खामोश रहता है कोई अब इसकी फितरत का लगाए खाक अंदाज़ा गियर इसका बदलते हैं तो खुल जाता है दरवाज़ा अब क्या कहा गया है कि जो ड्राइवर है इसको चलाने वाला उसको जब ये चलना शुरू कर देती है तो फिर उसको कोई होश नहीं रहता कि सामने कितने लोग चल रहे हैं सारे यानी जहाँ तक उसको नज़र आ रहा होता है उसको लगता है कि जैसे पूरी सड़क खाली है मतलब कुछ भी उसके सामने जो है वो सामने नज़र नहीं आता बल्कि हर चीज़ ऐसे लगती है जैसे पोशीदा हो गई है ठीक है
और फिर कहा गया है कि जो इसका पुर्जा है, एक एक पुर्जा इसका पूरे जोश में आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि वो इतनी बुरी उसकी हालत है कि जब मतलब हर एक पुर्जे में से उसकी आवाज़ें आती हैं, ठीक है, पुरजोश रहता है, मतलब हर पुर्जे में से उसकी आवाज़ें आती हैं, मतलब एक हॉर्न है, सिर्फ एक हॉर्न ऐसी चीज़ है कि जो खामोश ही रहता है। अब क्या कहा है उसने नेक्स्ट वाले में कि अब इसकी फितरत का अंदाज़ा क्या लगाएं, कैसे बताएं हम कि ये कैसी है, अगर हम इसका गियर बदलने लगते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, मतलब इतनी खस्ता हालत है उस गाड़ी की। करें रिवर्स तो अफसोस ये आगे को चलती है, रिवर्स होता है यानी बैक करना, बैक करें अगर इसको तो ये आगे को चलने लग जाती है। दुबाते हैं क्लच इसका तो बत्ती इसकी जलती है, फिर अगर इसका क्लच दुबाते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी लाइटें ऑन हो जाती हैं, ठीक है। अगर मुल्तान जाना हो तो भक्कर जा निकलती है, और मतलब क्या है कि अगर हम मुल्तान जाना चाह रहे हैं तो ये भक्कर वाली साइड पे निकल जाती है, मतलब दूसरे रास्ते पे चली जाती है। जो पहियों के तले ईंटें रखें ये तब संभलती है, मतलब अगर ये एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाए ना तो फिर नहीं पता चलता कि ये कैसे चल रही है गाड़ी, उसके फिर पहियों के नीचे एंड में ईंटें रखनी पड़ती हैं, तब ये संभलती है, तब ये रुकती है। मुगल गाड़ी के ये हर एक वस्फ का इदराक रखते हैं, जब ही तो कार में ईंटों का वो स्टॉक रखते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि वस्फ यानी के खूबी और इदराक यानी जानना, जाहिर होना। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मुगल है वो इस गाड़ी की एक एक खूबी को जानते हैं, उनको उसके बारे में उनको पता है, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर ईंटों का स्टॉक रखते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा ईंटें रखते हैं। है इसमें जिस कदर सीटें वो सुपर नगों से खाली हैं, स्प्रिंगों से खाली हैं, सॉरी, है इसमें जिस कदर सीटें वो स्प्रिंगों से खाली हैं, गुमा होता है असारे कदीमा से निकाली हैं, यानी कि जितनी भी इसमें सीटें हैं उसमें स्प्रिंग ही नहीं है। हजूम में दोस्ता ने धजियां इसकी उड़ा ली हैं, वो हर एक बैठने वाले से कपड़े की सवाली हैं, यानी अब क्या है कि इसकी किसी भी सीट पर, सीट के नीचे जो है ना वो स्प्रिंग नहीं लगे हुए, स्प्रिंग के बगैर ही इसकी सीटें हैं, और ऐसे लगता है जैसे कोई एंटीक है, मतलब बहुत पुरानी सारे कदीमा की कोई चीज़ है, और इसमें बहुत जो मतलब जब ये चलती है इतने दोस्त बैठ जाते हैं कि इसकी मतलब धजियाँ उन्होंने उड़ा दी हैं, और वो हर एक बैठने वाले से कपड़े की सवाली है, मतलब कि उसकी सीटें जो है वो बगैर कवर के हैं, इस चीज़ की तरफ इशारा है। परेशान इसका शराजा हर एक कल इसकी बेकल है, ये वो गाड़ी है जो फनकार की तख्लीके अव्वल है, ठीक है। अब इसने उन्होंने क्या कहा है कि इसकी एक एक चीज़ जो है, इसकी एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, इसका मतलब शराजा एक तरह से बिखरा हुआ है, और ये वो गाड़ी है कि जो कि फनकार की तख्लीके अव्वल है, यानी जिसने इसको बनाया है और जिसके पास ये अब तक मौजूद है वो मतलब बड़ा ही कोई बासलाहियत इंसान है कि जिसके पास ये गाड़ी अभी तक पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसके राइटर का नाम हम देखते हैं, शायर असद जाफरी ने ये नज़म राइट की है, जो कि बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग नज़म है। अब इसकी मशक शुरू करते हैं बेटा, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मशकी सवालात। सबसे पहला है, मुग़ल की कार दुनिया की कारों से क्यों मुनफरिद है, मुनफरिद होता है मुख्तलिफ, अनोखी। अब इसका जवाब देखते हैं, ये कार इसलिए मुनफरिद है कि 10 सालों से ये ख़राब खड़ी है, धक्के लगाने से चलती है, सुबह से शाम तक सर झुकाए इसको सही करो तो चलने के काबिल हो जाती है, ठीक है, मतलब इतनी खस्ता हालत है उसकी। सेकंड है, दुनिया में मुगल की कार की मिसाल क्यों नहीं मिलती, इसका जवाब देखते हैं, क्योंकि वो हर वक्त ख़राब रहती है और ईंटों के सहारे खड़ी रहती है। थर्ड है, क्या मुगल की कार आसानी से स्टार्ट हो जाती है, इसके जवाब में आप राइट करेंगे, नहीं, मुगल की कार आसानी से स्टार्ट नहीं होती। अब सवाल नंबर 4, मुगल की कार रिवर्स करने पर किस सिमत जाती है, इसका आपने जवाब तहरीर करना है, मुगल की कार रिवर्स करने पर आगे को जाती है, यानी उसको बैक करते हैं वो फ्रंट पे जाती है, आगे जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, शायर ने मुगल की कार से असारे कदीमा पर किस चीज़ के निकालने का शुबा जाहिर किया है, इसकी सीटें जो कि स्प्रिंग के बगैर हैं, ठीक है, इसका जवाब क्या है, इसकी सीटें जो कि स्प्रिंग के बगैर हैं। अब सवाल नंबर 2 क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहला है, सुना है कि मुगल की कार बीमार है, कितने वर्ष से, इसमें लिखा हुआ है
कितने बरस से आपने जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें आपने राइट करना है। यहाँ पर बेटा मिसप्रिंट हुआ हुआ है 5 साल, लेकिन आपने 10 सालों लिखना है, ठीक है, गुज़िश्ता 10 सालों से, और वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है, कार को धक्का लगाने पर 4-6 साथी बहाते हैं क्या पसीना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब थर्ड देखते हैं, जब कार चलती है तो होश खो बैठता है, कौन होश खो बैठता है, शोफर यानी कि ड्राइवर। अब ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर है, कार में सिर्फ खामोश रहता है क्या फोर्थ यानी हॉर्न, हॉर्न सिर्फ खामोश रहता है। फिर है, मुगल की कार में स्टॉक रहता है किस चीज का, ईंटों का, ईंटों का स्टॉक रहता है। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखते हैं, दर्ज़ेल अल्फाज में से मुनासिब अल्फाज मुंतखब करके खाली जगह पूर करें। इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले है, जमाने के लिए डैश का एक शाहकार है ये, यानी इबरत, सबसे पहले में आप लिखेंगे इबरत। सेकंड है, ये वो शय है कि डैश में मिसाल इसकी नहीं मिलती, इसमें हम लिखेंगे दुनिया। फिर थर्ड है, शहर से डैश तक हैंडल घुमाते हैं तो चलती है, इसमें आएगा शाम। फिर फोर्थ वाला है, जहां भी इसका जो डैश है वो पुरजोश रहता है, इसमें हम लिखेंगे पुरजा, पुरजा। फिर सवाल नंबर 4 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना है, दोनों हिस्सों को मिलाकर जुमला मुकम्मल करें। सबसे पहले करते हैं, मुगल के वास्ते एक मुस्तकिल आजार है प्यारे। फिर आगे है, कई फरलांग तक धक्का लगाते हैं तो चलती है। फिर है, यकीन करना ही पड़ता है, बड़ी ताकत है कुदरत में। फिर फोर्थ है, कोई अब इसकी फितरत का लगाए खाक अंदाजा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपका बेटा सबक नंबर 17 यानी यूनिट नंबर 17 हमने कंप्लीट किया है, मुगल की कार। इसकी सबसे पहले हमने रीडिंग की थी, उसमें जो मुश्किल अल्फाज थे उनके मैंने आपको मीनिंग भी बताए हैं। छोटी सी ये एक्सरसाइज थी हमारी, इसकी बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी और छोटी सी ये नज़म थी, सैयद जाफरी ने इसको राइट किया था। इसको आपने बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।